इसराइल हमास युद्ध के बीच यमन का आतंकी संगठन हूती इसराइल से करीब 3000 किलोमीटर दूर लगातार लाल सागर, एडन की खाड़ी और बाब अल मंदेब में इसराइल और पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर हमले कर रहा है, जिसके जवाब में अमेरिका की अगुवाई में कई देशों ने साथ मिलकर प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नाम से एक ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसमें कई देश तो खुलकर सामने आकर हूती के हमलों के जवाब में यमन में हमले कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश पर्दे के पीछे से अमेरिका और ब्रिटेन की मदद कर रहे हैं। इन देशों में सऊदी अरब का नाम भी शामिल है। सऊदी अरब के पेट्रियट बैटरी एयर डिफेंस सिस्टम ने 5 जनवरी 2024 को हूती की 6 मिसाइलों को सिर्फ 48 सेकंड के भीतर मार गिराया था। सऊदी अरब का जाजन शहर यमन के बॉर्डर के पास लगता है और हूती के अधिकतर हमलों को सऊदी अरब नाकाम कर रहा है, लेकिन अब हूती ने सऊदी अरब को भी सीधी चेतावनी दी है। हूती का कहना है कि कोई भी देश जो यमन के भीतर हमलों में शामिल होगा उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दरअसल हूती की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य मोहम्मद अली अल हूती ने एक संबोधन के दौरान सऊदी अरब को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम अपनी चेतावनियों को दोहराते हैं कि जो भी देश हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा वो हमारा वैध टारगेट होगा। अमेरिकियों को हमारे देश को निशाना बनाने और हमारे देश पर हमला करना बंद करना चाहिए। सऊदी अरब अगर हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता को मदद और समर्थन देगा तो हमारे लिए वो एक टारगेट होगा। आपको बता दें कि हूती ने अमेरिकी हमलों को घमंडी और अनुचित कार्रवाई बताया है। हूती का कहना है कि वो अमेरिका के हमलों को लेकर इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे और अमेरिका को उसी के हमलों में जवाब देगा। आपको बता दें कि 25 मार्च 2024 को अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने अपने एक बयान में कहा था कि हूती ने चीन के मालिकाना हक वाले एक तेल टैंकर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। हूती के इस हमले से तेल टैंकर में आग लग गई थी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पिछले हफ्ते ही ओमान में हूती ने रूस और चीन के अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग में वादा किया था कि वो उनके जहाजों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका के इस दावे से ऐसा लग रहा है कि हूती ने रूस और चीन के साथ वादा खिलाफी की है। दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के भीतर हूती के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हूती की सैन्य ताकत कम नहीं हुई है। हाल ही में 24 मार्च 2024 को अमेरिकी सेना ने यमन के भीतर हूती के नियंत्रण वाले इलाके में कई हवाई हमले किए थे। एक एयर स्ट्राइक हूती की 3 अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी पर की गई थी। अमेरिकी सेंटकॉम ने इस दौरान कहा था कि उसकी फोर्स ने हूती के एक ड्रोन को मार गिराया है।